हम हैं, हाल ही में एक फिल्म लॉन्च हुई है, न्यू फिल्म, न्यू हिंदी फिल्म लॉन्च हुई है, जिसका नाम है वेलकम किंग द रियल हीरो। हम उसकी टीम के साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस फिल्म की क्या डिटेल है। इसके डायरेक्टर हैं राम चिरंजीव शर्मा, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। राम जी, वेलकम टू इंडिया आज तक। प्लीज बताइए, ये जो फिल्म आपने हाल ही में लॉन्च की है, इसका क्या डिटेल है? हाँ जी, जय मां महाकाली, MMR फिल्म्स, वेलकम किंग द रियल हीरो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ये स्टार कास्ट है इसके, मिस्टर फिरोज जो सेंटर कैरेक्टर कर रहे हैं, लीड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव है कैतन्या रॉय शर्मा, और इसके अदर स्टार कास्ट है मिलिंद गुना जी है, रजा मुराद है, उपासना सिंह है, पुष्पा वर्मा है, किशोर भानुशाली, ये लोग ऑलरेडी फाइनलाइज है। अच्छा अच्छा, अभी बिग स्टार कास्ट फाइनलाइज बैलेंस है। और इस फिल्म में जो आपने शूट देखा, जो इस स्टार कास्ट का शूट हुआ, कहां पर इसका शूटिंग हुआ है और मुहूर्त कहां पर हुआ है? बसई में एक आश्रम है जो कि काफी पॉपुलर आश्रम है, उस आश्रम के अंदर, क्योंकि शुभ काम शुभ जगह पे करने चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फिल्म के जो सीन अभी दर्शाए गए हैं, वो आपने देखा कि इस फिल्म के अंदर काफी ट्रेजेडी होती है एक चाय वाले के साथ, जो एक गरीब इंसान जिसके माँ बाप नहीं है, किसी ने पाला पोसा और उसे बड़ा किया, उसे डॉन, उसके ऊपर डॉन की नजर पड़ जाती है और डॉन उसे किडनैप कर लेता है, उसे यूज करता है, और एक शरीफ इंसान जो चाय की दुकान में खुश अपनी लाइफ जी रहा है, उसे शायद ये भी नहीं मालूम कि शायद उसके साथ ऐसा कभी घटना घट सकती है। एक चाय वाला एक डॉन बनता है, उसके साथ क्या क्या ट्रेजिडी होती है, वो सारी ट्रेजिडी आप इस मूवी के अंदर देखेंगे। आपको इस फिल्म को बनाने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहां से मिली? इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे ये बोलने में खुशी भी हो रही है और तकलीफ भी हो रही है कि एक ऐसे इंसान से मिले जो हाल ही में एक एल्बम बना रहा था वेलकम के ऊपर। अच्छा, मैंने उसने उसका एक कार्ड देखा, उसने मुझे इनवाइट किया कि सर आप प्लीज आइए मेरी इस एल्बम के शूटिंग के अंदर। मैंने उसका कार्ड तो लिया लेकिन गया नहीं। अच्छा, लेकिन उसकी चोरी की, वेलकम से स्टार्ट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही एक टाइटल रखे, वेलकम किंग द रियल हीरो, जो टोटली डिफरेंट हो। और इस फिल्म के अंदर टोटली सस्पेंस कॉमेडी मूवी है, हल्की फुल्की एक्शन है। अच्छा, इस फिल्म के आप राइटर डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी आप हैं, लेकिन साथ में आपके को प्रोड्यूसर भी हैं, वो कौन कौन है, उनका डिटेल? हमारे को प्रोड्यूसर है मिस्टर विक्की श्रीवास्तव, जिसकी बेसिकली वो पब्लिक सेवा करने वाले में से है। अच्छा, उनका एक NGO है, सोशल सर्विस वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा फाउंडेशन। अच्छा अच्छा, लेकिन उनको इस सब्जेक्ट में इतना रुचि आया कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरी संस्था है ओके, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और साथ में मैं आपके साथ एज ए पार्टनर वर्क करना चाहता हूँ, मैं बोला मोस्ट वेलकम। मिस्टर विक्की श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े और आपने देखा इस शेड्यूल में हमारे साथ बरोबर हाथ पे हाथ बढ़ा करके काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही मिस्टर हरीश नाइक मेरे ये भी पार्टनर है, आप ये भी राइट में बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे राइट साइड में बैठे हुए मिस्टर हरीश नाइक, ये हमारे को प्रोड्यूसर है, दोनों को प्रोड्यूसर, लेफ्ट राइट बीच में मैं बैठा हूँ। दोनों ने मेरे साथ साथ हर कदम बढ़ाया, स्क्रिप्टिंग से लेकर गान सॉन्ग रिकॉर्डिंग तक, एवन शूटिंग तक, जो आपने शूटिंग देखा। जी जी, हरीश नाइक का थोड़ा रोल बताइए, क्या क्या इन्होंने सहयोग दिया आपको? ये को प्रोड्यूसर है, इसके साथ इन्होंने वो सारी चीजें मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि जो चीज मैं नहीं कर पाता वो मिस्टर हरीश नाइक करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जी जी जी। और आगे मुझे उम्मीद है कि हमारे ये दोनों पार्टनर मिस्टर हरीश नाइक एंड विक्की श्रीवास्तव हमारे कदम से कदम मिलाकर इस फिल्म को लास्ट तक अंजाम देने में मेरी मदद करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जरूर देंगे। और एक और चौथे शख्स आपके हरीश नाइक साहब के साथ राइट में खड़े हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और हरीश नायक और विक्की श्रीवास्तव जी के भी हैं, और ये जे नेगेटिव कैरेक्टर एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रोल कर रहे हैं आप। अच्छा, क्या नाम है इनका? क्या नाम देवराज।
देवराज जी, आप अपने रोल के बारे में अगर बता सकें दो लाइन में तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। भैया अभी शर्मा जी ने बताया और सब धन्यवाद, और रोल में दे सकते हैं और थोड़ा बहुत देंगे मेरे को। जरूर जरूर। हरीश नाइक जी आप जरा बोलिए आपके जो... नहीं मैं तो क्या साउथ इंडियन आदमी, होटल चलाने के लिए मुंबई में आया था, होटल चलाते चलाते थोड़ा टच हो गया सब लोग का, तो होटल लाइन का साथ में मैं ये भी कर रहा हूँ। विद मेरा ये है कि मैं अपना साउथ का और कर्नाटक वाला का थोड़ा आगे लेके नाम रोशन करूँ, नाम रोशन करूँ विद उन लोग का भी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा ले। तो कर्नाटक से तो ऑलरेडी लोग छाए हुए हैं, सुनील शेट्टी साहब हैं, ऐश्वर्या भाई जी हैं, दीपिका पाडुकोण जी हैं, रोहित शेट्टी हैं, वो तो है लेकिन और भी कुछ लोग चाहिए और नए नए लोग हैं। विद क्या है, मैं कनाडा करना चाहता हूँ अभी जो कर रहे हैं हम लोग उसका साथ में उसका। इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग रोहित शेट्टी सुनील शेट्टी सारे लोगों के पास नहीं जा सकते, जिनका कोई लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, वो हमारे पास आ सकते हैं, वो लोग मेरे जैसे लोगों के पास आए हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। ये मिस्टर हरीश नाइक का कहना है कि मैं अपने कर्नाटक के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने सारे कर्नाटक भाई बहनों के लिए जो इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, वेलकम किंग द रियल हीरो। चलिए थैंक यू सो मच, ये थी वेलकम किंग द रियल हीरो की टीम। आपसे हम विदा लेते हैं, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।